टू हेल्थ फूड एंड केयर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टोमेटो प्यूरी बनाने की रेसिपी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टोमेटो प्यूरी बनाने के लिए मैंने लिए हैं आधा किलो एकदम फ्रेश टमाटर, और इसको मैंने एकदम धो करके अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, टमाटर को लेके और इसका जो ऊपर का ये ब्लैक पोर्शन है इसको हम रिमूव करेंगे पहले, सबसे पहले। तो आइए पहले इसको रिमूव कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। इस तरीके से हम इसको रिमूव करेंगे और बैक साइड में इसके हम ऐसे कट लगा लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से लाल बिल्कुल फ्रेश टमाटर आप लें, जो आजकल के सीज़न में बहुत अच्छे मिल रहे हैं। इस तरीके से हमने कट लगा लिया और ऐसे ही हम बाकी टमाटर पे कट लगा लेंगे। ये जो प्यूरी हम बना रहे हैं इसको हम आराम से स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, और ये हफ्ता से 10 दिन आराम से हमारी प्यूरी चल जाती है। ये देखिए इस तरीके से हम सारे टमाटरों पे कट लगा लेंगे। अब ये जो कट लगे हुए हमारे टोमेटोज़ हैं इनको हम, ये पानी मैंने पहले से बॉयल होने रख दिया है, अब इन बॉयल पानी में इन टोमेटोज़ को हम छोड़ देंगे और इसको हम बॉयल करेंगे 15 सेकंड्स के लिए, जब तक कि इसकी जो स्किन है वो बिल्कुल निकल के बाहर आने लगेगी 15 सेकंड्स के अंदर, वो हमें तब हम सारे टमाटरों को बाहर निकाल लेंगे। अब ये टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गई है इसकी स्किन 15 सेकंड के बाद, अब इसको हम निकाल करके ठंडे पानी में छोड़ लेंगे इस तरीके से। ठंडे पानी में छोड़ने से थोड़ी देर इसको हम इसमें ही रहने देंगे और उसके बाद हम इसकी स्किन को पील करेंगे। इससे इसकी रेडनेस बनी रहती है और इसका कलर बहुत अच्छा आता है, इसलिए इसको हम ठंडे पानी में छोड़ते हैं इस तरीके से। बस इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए इसमें रहने देंगे, उसके बाद हम इसकी स्किन को पील करेंगे। अब 1 से 2 मिनट हो गए हैं, अब हम टमाटर को बाहर निकालेंगे आराम से। अब हम इसको पकड़ पा रहे हैं और इसकी स्किन देखिए कितने आराम से बाहर आ रही है। हमको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है जब हम टोमेटो प्यूरी बना रहे हैं, इसलिए स्किन को हम बाहर निकाल देंगे। और अगर थोड़ी बहुत कुछ इसमें रह भी जाता है लगा हुआ और इसकी सीड्स, तो वो बाद में जब हम इसको छानेंगे तो वो बाहर निकल आएगा। तो इसलिए देखिए कितने आराम से हमारी स्किन को पील हम कर पा रहे हैं। इसी तरीके से हम सारे टमाटर की स्किन को रिमूव कर लेंगे। अब इन सब टमाटरों की स्किन को हम हटा चुके हैं, इसको हम इस तरीके से कट करेंगे छोटे पीसेस में ताकि ये आराम से ग्राइंड हो सके, और इसको हम जार में डालेंगे। सभी टमाटरों के पीसेस को छोटा कर लेंगे। ये सारे टमाटरों को हमने जार में डाल लिया है, अब हम इसको ग्राइंड करेंगे फाइन पेस्ट में। टोमेटो प्यूरी को अब हम इसमें छान लेंगे ताकि इसमें जितने भी सीड्स वगैरह हैं वो निकल जाए। टोमेटोज़ को ब्लांच कर देने से एक तो इसकी रेडनेस भी अच्छी रहती है और एसिडिटी जो इसकी टमाटरों की होती है, खटासपन जो रहता है वो भी कम हो जाता है, और ये कलर भी अभी जब हम इसको बॉयल पे रखेंगे तो कलर भी इसका बहुत अच्छा आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको सारा छान लेंगे। आप देख रहे हैं अभी इसका कलर अच्छा आ गया है। इसको इस तरीके से हम 5 to 10 मिनट्स के लिए गाढ़ा करने के लिए इसको चढ़ा दिया है हमने, और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून मैंने ली है शुगर, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून मैंने लिया है सॉल्ट, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे।
ये दोनों चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं क्योंकि ये इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करेंगी और ये हमारी प्यूरी को सेफ रखेंगी, उसको ख़राब नहीं होने देंगी। अब आप इसको स्टिर करते रहेंगे इस तरीके से और जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती है, इस तरीके से हम स्टिर करते रहेंगे इसे। और इस पर बॉयल आना शुरू हो गया है, देखिए हमारी टोमेटो प्यूरी बनके हो गई है तैयार। 10 मिनट्स के लिए मैंने इसको लो फ्लेम पे पकाया है और ये अब काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। आप इसको अब ठंडे हो जाने पे इसको स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज के अंदर आप इसको रख सकते हैं और आराम से ये 10 दिन के करीबन ये बिल्कुल सेफली चल जाती है। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत हेल्पफुल होगी आपके डेली यूज़ के लिए। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल बटन को साथ में क्लिक कर दें नए अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।